हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली होने वाली है म्यूजिक सिस्टम के ऊपर। गाइस आज की वीडियो में गाइस मेरा जो म्यूजिक सिस्टम है मुझे गाइस ऑन नहीं हो रहा। मेरे को काफ़ी बार चेक किया इसको ऑन करने का बट ऑन हो ही नहीं रहा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस मेरी चाबी ऑन है, एक बार आपको चेक करा देगा चाबी ऑन है तभी गाइस मेरा जो एंबिएंट लाइट ऑन है। देख सकते हैं आप, मैं इसको बंद करके दिखाता हूँ। देखिए चाबी ऑन है इसलिए हो रहा है, पर आपको यहाँ से भी चेक करा देता हूँ। बंद किया, मेरा एंबिएंट लाइट जो है बंद हो गया। जैसे मैं ऑन करूँगा म्यूजिक सिस्टम ऑन होना चाहिए बट म्यूजिक सिस्टम का कोई रिस्पांस नहीं है, देख सकते हो। तो मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, देख सकते हैं जैसे मैं ऑफ करूँगा मैं बेस टू ऑन हो तो उसका आवाज़ आता है बट ये म्यूजिक सिस्टम जो है ऑन नहीं होता। वैसे थोड़ा ध्यान से सुनना, देख सकते हैं मेरे बेस टू ऑन होने का जो है साउंड आ रहा है, प्रॉपरली आ रहा है बट ये जो है ऑन नहीं हो रहा। तो गाइस आज आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कार में कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम हो जाए तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। तो वैसे काफ़ी इजी है, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। तो गाइस ऐसे केस में कभी हमको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको बताता हूँ कि करना क्या है। गाइस मान लो अगर ये बंद हुआ तो कोई भी तीन रीज़न से बंद होगा, या तो कभी बैटरी डेड होगा, या कहीं पीछे से कोई वायर कट गया होगा, या तो फिर फ्यूज़ उड़ा होगा। तो गाइस बेसिकली अपना रीज़न मेरे हिसाब से तो एक ही करके चेक करना चाहिए, बट मेरे हिसाब से जो लग रहा है कि अपना जो केस है वो फ्यूज़ उड़ने वाला है। क्योंकि और कोई दिक्कत होता गाइस तो अपना, जैसे बैटरी दिक्कत होता तो अपना ये सब स्टार्ट नहीं होता, बैटरी का प्रॉब्लम नहीं होता, सब कुछ अपना एकदम अच्छे से काम कर रहा है, तभी सब ओके है। अब वायरिंग का तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि वायरिंग का कैसे कोई लफड़ा हो सकता है, क्योंकि मेरे कार में तो कोई चूहा हुआ है नहीं। तो गाइस अब थर्ड जो है इसका फ्यूज़ चेक करिए। तो इसका फ्यूज़ बॉक्स जो है यहाँ पर दिया हुआ है। सो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कैसे करना है। तो गाइस कार में कभी भी जो है गाइस दो फ्यूज़ बॉक्स होता है, एक जो है यहाँ होता है ये बॉक्स है, इसके अंदर जो है फ्यूज़ लगे हुए हैं, और दूसरा जो है वो है बोनट के अंदर होता है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों फ्यूज़ बॉक्स में डिफरेंस क्या है। गाइस ये जो फ्यूज़ बॉक्स है गाइस ये सिर्फ अंदर के लिए, मतलब अंदर में जो जो इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हो गया, एसी के कंट्रोल्स हो गए, और भी बहुत कुछ, जैसे कि अंदर के लाइट हो गए, चाहे रूफ लाइट हो जाए, जबकि जो भी अंदर में इक्विपमेंट्स है लाइट वगैरह जो भी है वो इसके लिए है, और बाहर का जो है बाहर के लाइट के लिए, बाकी लाइट हेडलाइट वो सब बाहर के लिए। तो गाइस इसको बता दो उसको खोलना कैसे, क्योंकि इसी के अंदर जो हमारा म्यूजिक सिस्टम का जो फ्यूज़ लगा हुआ है। तो गाइस इसको बस हमको ऐसे पकड़ के ऐसे खींचना है, ये बाहर आ जाएगा। तो कैसे हमने इसको निकाल लिया है, तो देख सकते हैं आप अंदर में जो है बहुत सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, देख सकते हैं गाइस। तो गाइस ये जो है अपना फ्यूज़ लिख बॉक्स निकालेगा, इसमें जो है दिया हुआ है कि कौन सा फ्यूज़ किस चीज़ का है, पूरा जो है एक चीज़ दिया हुआ है। वैसे आपको बताऊँगा कि इतने सारे फ्यूज़ हैं, इस पर से आप पहचानोगे जैसे कि इसमें जो है म्यूजिक सिस्टम का जो है फ्यूज़ कौन सा है। वैसे सबसे पहले हमको, तो वैसे आपको कौन सा सिस्टम, आपको बता देता हूँ कि इसमें म्यूजिक सिस्टम का फ्यूज़ कौन सा है। तो ये जो देख सकते हैं ऑडियो क्लॉक, ये जो है इंटीरियर लैंप्स, मतलब कि ये जो है रेडियो मीन्स म्यूजिक सिस्टम, और जो INT लैम्प मतलब कि ऊपर का जो लैम्प लगा हुआ है ये वो है। तो वैसे हमको जो है ये वाला फ्यूज़ फाइंड आउट करना है। तो वैसे आप लोग सोचोगे कि हम ये वाला फ्यूज़ फाइंड आउट कैसे करेंगे। अगर कभी फ्यूज़ फाइंड आउट करने का गाइस सबसे इजी तरीका मैं बताता हूँ। पहले जो है गाइस काउंट कर लो, ऊपर ये जो दिख रहे गाइस इसमें फ्यूज़ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 हैं, और एक बार ऐसे काउंट कर लो कितने फ्यूज़ हैं। तो गाइस 1 2 3 4 5 6, तो गाइस ऐसे फाइंड आउट करते हैं फ्यूज़ की यहाँ पे कितना फ्यूज़ है वहाँ पे। तो गाइस कभी भी देखो गाइस सबसे पहले हमको क्या करना, अपने को ऊपर का लाइन काउंट करना है, ऊपर वाले का ऊपर जो हुआ है इसका, जो हम पहले ऊपर का लाइन काउंट करेंगे ऐसे, और एक बार जो इस साइड का काउंट करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं ऊपर में 6 है और इस साइड जो है गाइस 5 है, 1 2 3, और नीचे जो है 2 और है। तो इसमें हम ऐसा ही फाइंड आउट करेंगे कि ऊपर साइड जो है 6 फ्यूज़ होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, और इस साइड जो है सीधे में 5 होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5। तो हमको समझ में तो ये आ गया फ्यूज़ का है जो है वो ऐसा लगा हुआ है, ऐसे है और वैसे ही ऐसे फाइंड आउट करना है। तो गाइस हमको देखना है कि ये रेडियो वाला स्विच फ्यूज़ जो है कहाँ पे है, रेडियो 15 एम्पियर। गाइस आप देख सकते हैं ये जो है येलो जो दिख रहा है गाइस, ये जो है गाइस रेडियो का फ्यूज़ आप देख सकते हैं, हल्का सा आपको अंदर में जो है 15 लिखा हुआ दिख रहा होगा, देख सकते हैं 15 लिखा हुआ। गाइस हमको कुछ नहीं, बस ये वाला फ्यूज़ निकालना है, इसको रिप्लेस कर देना है, फिर अपना जो सिस्टम जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यही जो है ये फ्यूज़ आप इसको रिप्लेस कर रहा है, बाकी सब कुछ ओके हो जाएगा। मैं पर इसको रिप्लेस करता हूँ फिर आपसे मिलता हूँ। सो गाइस मैंने जो फ्यूज़ रिप्लेस कर लिया है, इसका बॉक्स बंद कर लिया, एक बार मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ कि मेरा सिस्टम जो है चालू हुआ कि नहीं। एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ, कोई शक अपना हो भाई, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि कर कुछ आ रहा है, दिखा कुछ आ रहा है। तो देख सकते हो चाबी ऑन किया, देख सकते हो एंबिएंट लाइट भी चालू हो गया, साथ ही साथ अपना मेरा सिस्टम जो है चालू हो गया।
देख सकते हो। तो बस ये इतना ही होता है, यही प्रोसेस है। फिर आपको सब म्यूजिक सिस्टम जो चालू रहेगा। तो भाई सब सोचते होंगे कि फ्यूज़ उड़ता कैसे होगा, फ्यूज़ उड़ने के कोई चांस नहीं है, कभी भी कैसे भी कैसे भी दिक्कत से उड़ जाना है। फ्यूज़ पुराने होने के कारण भी उड़ जाता है। क्या कभी आप ज़्यादा म्यूजिक से ज़्यादा आवाज़ चला दो तो भी कभी कभी जो है करंट पास करने के टाइम में उड़ जाता है। तो वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और गाइस अगर आपको कुछ अच्छा लगता है, अगर आपको किसी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट करके बताना कि आपको किस टॉपिक का वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइस।